हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भोजपुरी फिल्मों से राजनीति में आए आजमगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की परीक्षा 12 मई को होनी है। आजमगढ़ की सीट पर निरहुआ अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। निरहुआ आजमगढ़ में अपने चुनाव प्रचार को बेहद गंभीरता से लेते हुए वोटों को समेटने में लगे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने अंदाज में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। निरहुआ पूरे जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। निरहुआ का दावा है कि आजमगढ़ में वो अखिलेश की जमानत जब्त करा देंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भरोसा जताया है कि तीनों भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ इस बार चुनाव में जीत रहे हैं। निरहुआ ने कहा कि इस चुनाव में हम तीनों ही जीत का परचम लहराने वाले हैं। दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि तीनों भोजपुरी अभिनेताओं की होने वाली जीत के पीछे की वजह यह नहीं होगी कि हम ज्यादा काबिल हैं, बल्कि हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं और जनता भी यही चाहती है। निरहुआ ने कहा कि जनता मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और ऐसा ही होकर रहेगा। ये सब लोग जो है लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं और निजी स्वार्थ में ये देश का विरोध कर रहे हैं, देश के विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो ये जनता समझ चुकी है। और आप देखिएगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं, आज यहां पे आजमगढ़ में सिर्फ एक आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है, आजमगढ़ में तीन तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। यहां श्री अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भैया प्रत्याशी हैं, पर उनके साथ में बहन मायावती जी हैं, वो भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री राहुल गांधी जी का समर्थन है, उनको यहां प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मतलब तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक साथ 23 तारीख को आजमगढ़ हरा के, और इनकी जो पार्टियां हैं बताएगा कि इनकी कितनी जरूरत है यहां पे। तो मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही 23 तारीख को सब के सब साफ खत्म। लास्ट सर, आपकी सर इस बार तिकड़ी जो है वो मैदान में है जी। उधर दिल्ली में मनोज तिवारी जी, गोरखपुर में रवि किशन जी और यहां आप, क्या लगता है सर तीनों लोग परचम लहराएंगे? तीनों लोग जीतेंगे और इसका एक ही कारण है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग तीनों बहुत काबिल हैं इसलिए जीतेंगे, नहीं, हम तीनों लोग जो है वो सच के साथ हैं, जो जनता चाहती है उसके साथ हैं। ये जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि इस वजह से ही हम तीनों जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।